हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने की। आईटीआई में एडमिशन लेने की जो डेट है वो अब एक्सटेंड कर दी गई है 30 अक्टूबर तक, ठीक है, जिसके लिए ये 18 अक्टूबर को लेटर जारी किया गया है जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या इस लेटर में दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि जो भी राजकीय और निजी आईटीआई हैं उसमें जो प्रवेश लेने की तिथि है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर। ठीक है, अभी इसको जल्दी ही एक्सटेंड किया गया है, 18 अक्टूबर को ये लेटर जारी किया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रदेश में जितने भी राजकीय और प्राइवेट आईटीआई हैं उसमें एनसीबीटी कोर्स के अंतर्गत जो भी कोर्स चल रहे हैं और उसके साथ ही एससीबीटी के पाठ्यक्रम के अंदर जो भी कोर्स हैं उनमें जो भी रिक्त सीटें रह गई हैं उनको भरने के लिए एक चौथा चरण निकाला गया है, जिसमें वॉक इन सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि आप जैसे आएंगे उसमें, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं वैसे ही आपको वहाँ संस्था में जाना पड़ेगा और इस प्रवेश की कार्यवाही पूरी करनी है 30 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अगर आपको अभी एडमिशन लेना है तो 30 अक्टूबर से पहले आपको जिस आईटीआई में जाना है, ठीक है, वहाँ आप वॉक इन कीजिए, जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कीजिए और फिर अपना प्रवेश लीजिए। ठीक है, इसका जो भी डेटा है, अगर आपने प्रवेश ले लिया है तो जो भी चतुर्थ चरण का जो आवंटन और प्रवेश की जो डिटेल्स हैं वो 30 अक्टूबर रात 12 बजे तक संपूर्ण करके जो भी डेटा है वो एससीबीटी पोर्टल पर वेरीफाई या फ्रीज किया जाना कंपलसरी है। इसीलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 30 अक्टूबर के पहले पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो भी समस्त नोडल प्रधानाचार्य आईटीआई हैं उनको निर्देशित किया गया है कि विभिन्न संचार माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना है, जिससे भी जो खाली सीटें रह गई हैं उसमें 100% प्रवेश पूर्ण किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके आपके पास एक लास्ट चांस है अगर आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो जिस आईटीआई में आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाइए और अपना प्रवेश ले लीजिए। ठीक है, और भी कोई आपको डिटेल चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच।